अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि यूबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के बाद उसके ऊपर कौन से टूल्स ज़रूरी हैं जो कि हमें CEH प्रैक्टिकल में हेल्पफुल रहेंगे। तो ये CEH प्रैक्टिकल की हम लैब सेटिंग कर रहे हैं, तो उसका ये कॉन्फ़िगरिंग टास्क ये है कि हमने टर्मिनल्स को खोल के उसके ऊपर हमने कुछ टूल्स इंस्टॉल करवाने हैं। तो वो कौन से टूल्स इंस्टॉल करवाने हैं तो वो मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले आपने चेक करना है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि यूबंटू आपका कौन से यूज़र पे है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि डॉलर साइन वाला यूज़र कौन सा होता है और हैश साइन वाला कौन सा यूज़र होता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि डॉलर साइन वाला यूज़र एक स्टैंडर्ड यूज़र होता है और इसके पास इतनी ज़्यादा प्रिविलेज नहीं होती, यानी कि इसके पास इतनी ज़्यादा अथॉरिटी नहीं होती कि कुछ फाइल्स को एग्जीक्यूट कर सके, और इसके लिए हमें एक प्रिविलेज यूज़र में जाना पड़ेगा, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र में। तो मैंने ऑलरेडी इसका यूज़र अकाउंट क्रिएट किया हुआ है। तो वो यूज़र अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं उसकी एक अलग प्लेलिस्ट है, तो उस प्लेलिस्ट में हम आपको बता देंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको कमांड देनी है, उसके बाद हम इसके ऊपर टूल्स इंस्टॉलेशन करेंगे। sudo su यानी कि सुपर यूज़र में हमने जाना है, लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव यूज़र में जाना है, तो उसके लिए यह हमें इंटर करना पड़ेगा। अब यहाँ पे वो कह रहा है इंटर द पासवर्ड ऑफ यूबंटू एडमिन पासवर्ड। तो यहाँ पे मैंने पासवर्ड सेट किया हुआ है, मैं पासवर्ड सेट करूँगा, यहाँ पे टाइप करूँगा, देन लॉगिन हो गया। अब मैं स्क्रीन को क्लियर करता हूँ। यहाँ पे हम कुछ टूल्स ऐड इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉलेशन करने से पहले आपने चेक कर लेना है पिंग www.google.com, यानी कि इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल है या नहीं है। तो आपने पिंग www.google.com करना है, चेक कर लेना है कि इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल है या नहीं है। तो ये देखें पैकेट्स सक्सेसफुली सेंड हो रहे हैं, तो इसका मतलब है इंटरनेट अवेलेबल है। तो यहाँ पे कंट्रोल सी प्रेस करना है इसको स्टॉप करने के लिए, और क्लियर स्क्रीन करना है, क्लियर। तो अब यहाँ पे हम कुछ टूल्स इंस्टॉल करेंगे। वो कौन कौन से टूल्स ज़रूरी हैं, सबसे पहले तो हमें एक अपाची सर्वर इंस्टॉल करवाना पड़ेगा, क्योंकि हमने इसके ऊपर कुछ वर्चुअल होस्ट क्रिएट करने हैं और कुछ सर्विसेज हम इसके ऊपर, लाइक वेबसाइट को अगर हम यहाँ पे होस्ट करवाना चाहते हैं तो इसके लिए ये अपाची सर्वर लाजमी है। तो ये apt get ये कमांड है इंस्टॉलेशन की, apt get install और आगे पैकेज का नाम अपाची 2-y, ये हम इंस्टॉल करेंगे। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, तो आप ये इस कमांड को नोट कर सकते हैं, यानी कि apt get install apache 2 और -y -y, तो आप इसको इंटर करके चेक कर सकते हैं। तो ये ऑलरेडी इंस्टॉल है, इसको क्लियर करें। अभी इसके बाद हमने एक टूल इंस्टॉल करवाना है, apt get install vim। vim एक एडिटर है, तो इसको भी हमने इंस्टॉल करवाना है। तो ये देख सकते हैं ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। क्या हमने टाइप करना है, apt get install vim -y -y, तो ये कमांड है। इसके बाद हमने git जो पैकेज है वो इंस्टॉल करवाना है, ताकि हम कुछ रिपोजिटरीज गिट के ज़रिए क्लोन करवा सकें। आपको पता भी होगा कि गिट किसके लिए यूज़ होता है पैकेज, तो इसको इंस्टॉल करवाने के लिए हमने apt get install git ये इंस्टॉल करवाना है। ये भी ऑलरेडी पैकेज इंस्टॉल है, तो इसको इंस्टॉल करवाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हमने कुछ पाइथन इंस्टॉल करवानी है, उसके लिए apt install python, ये सिंपली आपने इस तरह इंटर करना है। तो ये भी ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो ये थी ज़रूरी टूल्स जो कि हमें
इंस्टॉल करवाने हैं इस Ubuntu के अंदर। तो आपको हर दफ़ा आपको इसको अपडेट करना लाजमी होगा। अपडेट गेट सॉरी apt गेट अपडेट, ताकि आपके पैकेजेस जो हैं वो अपडेटेड रहे। तो ये मैं इसको अपडेट कर रहा हूँ। अब पैकेजेस जो हैं उसने डाउनलोड कर लिए और फेच कर रहा है। तो ये सक्सेसफुली हमारी जो है पैकेजेस की लिस्ट वो अपडेट हो चुकी है। तो अब हम इसको कर लेते हैं अपग्रेड, apt get अपग्रेड। यस ये थे हमारे कुछ टूल्स जो पैकेजेस जो हमने इंस्टॉल करवाने थे, जो कि CEH प्रैक्टिकल के लिए यूबंटू में होना लाजमी है। तो अब इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी। तो मैं इस वीडियो को पॉज करता हूँ। अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसको एग्जिट करें और इसको भी एग्जिट करें।